हाय गाइस, जय माता दी। वेलकम टू माय चैनल। मैं हूँ नेहा। कैसे हैं आप सब? आई होप यू आर डूइंग ग्रेट। आज हम एक वीकली रीडिंग करने जा रहे हैं फॉर द स्कॉर्पियो साइन यानी कि वृश्चिक राशि के लिए, और देखेंगे कि आने वाला ये हफ्ता कैसा रहेगा आपकी लव लाइफ के लिए और करियर के लिए। इट्स अ जनरल रीडिंग, मे और मे नॉट रेजोनेट टू एवरीवन। सो जो लोग पहली बार मेरे चैनल पे आए हैं, आई वेलकम यू। अगर आपको रीडिंग पसंद आए तो उसे लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए एंड डू कमेंट, और साथ में बेल आइकन बना है उसे प्रेस कीजिए। और फॉर पर्सनल रीडिंग आप सारी डिटेल्स डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दी हुई है, आप वहाँ जाके चेकआउट कर सकते हैं। चलिए बात करते हैं आपकी लव लाइफ की। फॉर ऑल द स्कॉर्पियो पीपल, आपकी लव लाइफ कैसी रहेगी? स्कॉर्पियो पीपल, आप किसी के साथ डील कर रहे हैं और आप बैलेंस लाना चाहते हैं इन द सिचुएशन। मे बी कल्चरल डिफरेंसेस है, मे बी आप बर्डन फील कर रहे हैं, मे बी यू आर स्टिल पैशनेट अबाउट दिस पर्सन, और मे बी दिस पर्सन ऑल्सो कम वॉन्ट्स टू कम टूवर्ड्स यू, दे आर ऑल्सो लाइक पैशनेट। आप दोनों एक दूसरे के लिए बहुत ज़्यादा पैशन फील करते हैं, बट यू आर लाइक हार्ट ब्रोकन, बहुत ज़्यादा हार्ट ब्रोकन है, बिट्रेड फील कर रहे हैं, चेंज चाहते हैं। मे बी हो सकता है आप लोगों की बात ना हो रही हो, यू आर स्टिल आपके जो पर्सन है वो भी आपकी तरफ अट्रैक्टेड है। मे बी हो सकता है सोल लेवल कनेक्शन हो आप लोगों का, राइट, ऑन लाइक बॉन्ड हो आप लोगों का, बट द थिंग इज कोई यहाँ पे वेट कर रहा है एंड कोई यहाँ पे रिजिस्ट कर रहा है। मे बी हो सकता है दिस पर्सन इज लाइक, मैंने जैसे कहा ना कि दे आर अट्रैक्टेड टू यू, मे बी यंग एनर्जी हो सकती है, और मे बी हो सकता है आपने आप पास्ट में बहुत एफर्ट्स डाले, इस पर्सन ने पास्ट में बहुत एफर्ट्स डाले थे, बट दे आर फीलिंग होपलेस नाउ, और दे लाइक दे वॉन्ट टू गिव अप। और मे बी हो सकता है कि कोई यहाँ रिफ्यूज़ कर रहा है बेसिकली, कोई आप लोग अट्रैक्टेड है, यू आर अट्रैक्टेड टू ईच अदर, बट कोई यहाँ रिफ्यूज़ कर रहा है। नाउ इन द नियर फ्यूचर देयर इज सम लाइक somebody is walking away, मैं यही देख रही हूँ कि कोई यहाँ से like somebody walked away or walking away, और maybe हो सकता है somebody still silent। और अगर आप दोनों जैसे कहते हैं ना कि अगर आप इस energy में आएंगे तभी आप लोग एक दूसरे को like मिल सकते हैं, so you need to be in that energy, emperor वाली energy में, decision making। हो सकता है कोई यहाँ पर decision making नहीं कर पा रहा, हो सकता है कोई फैसला नहीं ले पा रहा, हो सकता है कोई commit नहीं कर पा रहा, और हो सकता है कि वो कॉन्फिडेंस नहीं है किसी में इस रिलेशनशिप को लेके। अट्रैक्शन है, कुछ है, बट कोई यहाँ रिफ्यूज कर रहा है, मे बी कल्चरल इनडिफरेंसेस हैं। लेट्स पुल सम कार्ड फॉर गाइडेंस फॉर ऑल द स्कॉर्पियो पीपल, क्या गाइडेंस है फॉर देयर लव लाइफ। ओके, सो यू नीड टू ओपन अप योर हार्ट स्पेस, आपको अपना हार्ट स्पेस ओपन करने की जरूरत है। आपको सी डिवाइन टाइमिंग इज प्लेइंग अ रोल, राइट। मे बी हो सकता है कि कोई आपकी तरफ आए, राइट, कोई आपकी तरफ आना चाहे, या मे बी फॉर फ्यू ऑफ यू हो सकता है दिस पर्सन इज न्यू, कोई न्यू आपकी तरफ आना चाहता है, बट फॉर ऑल अदर पीपल मे बी हो सकता है कोई आपकी तरफ स्टिल वापस आएगा, बट डिवाइन टाइमिंग आप लोगों के जो रिलेशनशिप में वो कहते हैं ना पार्ट प्ले कर रही है, सो आपको उसको फॉलो करना है, अपने डिवाइन पे ट्रस्ट करना है और सरेंडर करना है, और अपने हार्ट चक्रा पे काम कीजिए, अपने आप पे फोकस कीजिए, अपने आप को लाइक देख सकते हैं कि इस लेडी ने देखिए कितना अच्छा, उसके पीछे फ्लावर्स हैं और शी इज़ होल्डिंग अ कैंडल और नियर हर हार्ट और शी इज़ फीलिंग हैप्पी कॉन्फिडेंट, तो आपको उस एनर्जी में वापस आने की ज़रूरत है सो दैट सब कुछ बैलेंस हो सके। चलिए बात करते हैं अब आपके करियर की। फॉर ऑल द स्कॉर्पियो पीपल, करियर वाइज थिंग्स आर गोइंग टू चेंज, येस डेफिनेटली फॉर ऑल द स्कॉर्पियो पीपल चेंज इज कमिंग, सम सॉर्ट ऑफ चैप्टर इज कम्प्लीटिंग। मे बी हो सकता है आप वरी थे मनी को लेके,
बहुत ज़्यादा क्लोज्ड ऑफ थे, वरी कर रहे थे, राइट? एंड सम चेंज इज डेफिनेटली कमिंग और आप सेलिब्रेट कर सकते हैं दिस चेंज बिकॉज इट विल बी अ हैप्पी चेंज फॉर यू, मे बी हो सकता है. येस डेफिनेटली यू हैव इनफाइनाइट पॉसिबिलिटीज़ हैं बहुत ज़्यादा, मे बी अबंडेंस, मे बी यू आर लाइक यू आर ग्रोइंग और मे बी हो सकता है विद स्ट्रेंथ कार्ड, लाइक जैसे कहते हैं ना कि ऊपर इन्फिनिटी का सिम्बल है. सो कुछ हो सकता है कि आपके लिए कुछ बेटर अपॉर्चुनिटीज़ आए. यस आप अपने आप पे फोकस करेंगे, अपने आप में इधर वर्क करेंगे एंड यस सम थिंग्स आर चेंजिंग फॉर यू करियर वाइज, मे बी हो सकता है न्यू अपॉर्चुनिटीज और मे बी यू विल बी लाइक सेलिब्रेटिंग दिस चेंज, जो आप इस चेंज का वेट कर रहे थे करियर वाइज और ये चेंज आ रहा है. लेट्स पुल सम कार्ड फॉर गाइडेंस फॉर ऑल द स्कॉर्पियो पीपल, क्या गाइडेंस है उनके करियर के लिए. वी हैव अलोननेस, वी हैव नथिंगनेस. ओके सी देखिए अगेन वी हैव 10 नंबर, सॉरी अगेन वी हैव कम्प्लीशन कार्ड. सो इट मीन्स जो भी चीज़ें थी वो धीरे धीरे ब्रोकन पीसेस आर कमिंग टुगेदर. सो आपको उस पर फोकस करने की ज़रूरत है. पॉजिटिव रहिए, राइट? उस एनर्जी में रहिए, पॉजिटिविटी क्रिएट कीजिए अपने अराउंड. अलोननेस वी हैव 9 नंबर. ओके सो इट्स ऑल्सो लाइक नंबर ऑफ चेंज. तो अपने आप को कुछ ना कुछ चेंज, डेफिनेटली कोई पॉजिटिव चेंज आने वाला है दैट विल टेक यू लाइक कहते हैं ना टूवर्ड्स अ बेटर प्लेस, आपको बेटर प्लेस पे लेके जाएगा. करियर वाइज कुछ कंप्लीट हो रहा है साइकिल और डोंट फील अलोन, राइट? देयर इज लाइट एट द एंड ऑफ द टनल. अभी आपको अंधेरा लग रहा है बट सी दैट लाइट. और देन देयर इज नथिंगनेस, और नथिंगनेस में भी बहुत कुछ होता है. तो अपने आप को माइंड को काम डाउन कीजिए बिकॉज व्हेन योर माइंड इज काम कंपोज्ड देन ओनली यू कैन थिंक सही चीज़ें, राइट? अदरवाइज तो हमारे दिमाग में बहुत मिसलेनियस चीज़ें ही घूमती हैं. तो स्टे ग्राउंडेड, स्टे ऑप्टिमिस्टिक एंड बी लाइक वॉरियर और अपने काम पे फोकस कीजिए. सो दैट्स ऑल वी हैव फॉर ऑल यू पीपल. अगर आपको रीडिंग पसंद आए तो इसे लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए एंड कमेंट करना मत भूलिए. थैंक यू सो मच.